हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुशी मौर्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे हो, खुश हो और अपने गार्डनिंग के काम में मस्त हो। तो फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक आज आपके साथ क्रिसेंथेमम के बारे में बात करूँगी। इसकी जो इस पर जो इंसेक्ट का अटैक होते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगी फ्रेंड्स, तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करती हूँ वीडियो। ये जो आप देख रहे हो क्रिसेंथेमम, इसको गुलदाउदी बोलते हैं, इसको चंद्रमल्लिका बोलते हैं हम बेंगोलीज। तो इस प्लांट पे क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, इजी टू केयर प्लांट है, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाती है, वेराइटीज कलर में मिलती है और बहुत जल्दी इसकी कटिंग लग भी जाती है। अभी तो नर्सरी में ये अवेलेबल है। तो इसकी जो केयर है इसके बारे में मैं क्या कहूँ इसके बारे में फ्रेंड्स, इसको कटिंग से आप ग्रो कर सकते हो। इस जो ग्रो प्लांट है 40% गार्डनिंग सॉइल, 40% वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद, बालू मिट्टी मिला के वेल ड्रेनेज पॉट पर आप इसको लगा दो, अच्छे तरीके से चल जाती है। इसको सनलाइट लगभग 3-4 घंटे की सनलाइट इसको पसंद है। अगर 3-4 घंटे की धूप मिले तो आपके प्लांट पे फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। इस प्लांट को प्रूनिंग बहुत पसंद है। अब जितना ज़्यादा प्रूनिंग करोगे उतना ज़्यादा ये एक गुलदस्ता का रूप ले लेती है। मेरी प्लांट, मेरे पास भी बहुत सारे क्रिसेंथेमम है, लेकिन ये जो प्लांट पड़ा था ये एक साइड में पड़ा था गार्डन की, तो इसकी तरफ मेरे ध्यान नहीं गया। जब देखा तो इसकी प्लांट, इसकी जो फ्लावरिंग हो रही है एकदम छोटी छोटी हो रही है। जब इसकी इसकी देखी, इसकी पूरी प्लांट को देखा तो मैंने देखा कि इस प्लांट की जो ये जो आप देखो ये जो स्टेम है इस पर बहुत सारे काले काले इंसेक्ट का अटैक हो चुका था। लगभग मेरी बहुत सारी प्लांट मैंने लगाया लेकिन किसी भी प्लांट में ऐसा नहीं था, सभी में अभी फ्लावरिंग होने वाला है। लेकिन इस प्लांट की जो फ्लावर आप देखो, ये नॉर्मली ये थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन सभी जो फूल है एकदम छोटी हो रखी है, क्योंकि इस पर जो ब्लैक जो इंसेक्ट होती है उसका अटैक हो चुका था। और ये इंसेक्ट क्या करती है, आपकी जो कलिया है उसके रस निकाल के चूस चूस के खा लेती है, सकर है ये, इसलिए आपकी जो फ्लावर है अच्छी तरीके से नहीं खिल पाती। जिनके पास भी ये क्रिसेंथेमम है यानी कि गुलदाउदी है, उनको एक बार न एक बार इस प्रॉब्लम का फेस करना ही पड़ता है। तो इसकी इलाज मैं ऑर्गेनिकली करूँगी क्योंकि मैं केमिकल का यूज़ नहीं करती, तो सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने इसकी जो ये जो कलिया है इसको मैंने धो दिया है फ्रेश वाटर से। इसका इलाज फ्रेंड्स मैं आपको बोलती हूँ, इसका इलाज सिर्फ एक है कि आप इसको बार बार क्या करोगे, हर रोज़ ही लगभग जब तक आपके प्लांट से इंसेक्ट दूर नहीं भागता, आप अपनी जो इंसेक्ट जो फ्रेश वाटर से आप इसको ऐसे इस तरीके से धो दो, ठीक है। लगभग हफ्ते में 2-3 बार आप अपनी प्लांट की जो इसको फ्रेश वाटर से आप इसको स्प्रे कर दो, तो ये जो इंसेक्ट होती है पानी की फुहारे से ये मर जाती है। फिर क्या होगा, आप क्या करोगे, नीम ऑयल आप स्प्रे कर सकते हो इस पर, हफ्ते में 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। अगर नीम ऑयल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सोप वाटर की इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सोप वाटर इस्तेमाल करने से क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि सोप वाटर जो अगर ज़्यादा हो गया तो आपकी प्लांट जल सकती है। तो आप क्या करोगे, 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 बूंद शैम्पू या फिर 2 बूंद आप जो नॉर्मल डिटर्जेंट लिक्विड होती है उसको 2 बूंद या फिर बेबी शैम्पू होती है, माइल्ड शैम्पू होती है उसकी 2 बूंद या फिर कोई भी डिटर्जेंट पाउडर सिर्फ एकदम कम मात्रा में आप पानी में अच्छी तरीके से घोल कर आप इसको स्प्रे कर दो। उस पानी को स्प्रे करने के बाद आप नॉर्मल वाटर से फिर से आप इसको धो दो। एक्चुअली मैंने वीडियो नहीं बना पाई लेकिन मैंने जो किया था, मैंने इसको इसके ऊपर इसकी फ्रेश पानी से मैंने धो के इसे नीम ऑयल का स्प्रे कर दी थी। मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं अवेलेबल है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप सोप वाटर की इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन एकदम कम मात्रा में, ठीक है, 2 बूंद 1 लीटर पानी में। बहुत ज़्यादा हो गए तो आपकी प्लांट जल सकती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो और एक इलाज है फ्रेंड्स, आप क्या करोगे, जो राख होती है राख को आप दे दो। अगर फ्लावरिंग पे ऐसे फ्लावर पे अगर आप राख देते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप थोड़ी सी राख लेके ऐसे करके आप इसको ऐसे मसल दो तो आपके प्लांट पे फिर कभी भी इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो गुलदाउदी है इसकी इस पर आप इंसेक्ट के अटैक से इसको बचा सकते हो। ये ऑर्गेनिकली है और तो आप इसको क्या करोगे, हफ्ते में 2-3 बार आप इसको कर सकते हो और सोप वाटर जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद आप इसको फिर से शावर कर दो इसकी, नहीं तो आपकी जो कलिया है वो जल जाएगी, इसलिए आप फिर से
पहले आप धो, उसके बाद सोप वाटर के स्प्रे करो, उसके बाद फिर से आप इसको धो दो, तो आपके प्लांट पे जो इंसेक्ट होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरे ख्याल से केमिकल का यूज़ हमको कम ही करना चाहिए। केमिकल वाला जो दवाई है वो उसका असर बहुत जल्दी होती है, लेकिन इसकी जो एक साइड इफ़ेक्ट है बहुत ही ख़राब होती है, हमारी प्रकृति के लिए ख़राब है। तो कोशिश करना, भले ही ऑर्गेनिकली अगर आप इलाज करते हो, भले ही इसकी थोड़ी सी टाइम लगे, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और एक काम आप फ्रेंड कर सकते हो, अगर आपके पास ऑरेंज पील है, ठीक है, ऑरेंज पील बहुत ही अच्छी एक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है, तो ऑरेंज पील का इस्तेमाल आप ज़रूर से ही कर सकते हो अपनी इस इंसेक्ट के अटैक के अटैक को दूर भगाने में, इसके इंसेक्ट जो होती है उसको दूर भगाने में। तो ऑरेंज पील को आप क्या करोगे, ऑरेंज पील को आप फ्रेश वाटर में 2-3 दिन के लिए आप इसको भिगो के रख दो, उसके बाद उस पानी को छान के आप अपनी प्लांट पे लगभग हर रोज़ ही आप इसको स्प्रे कर सकते हो। उससे भी क्या होता है, ऑरेंज पील की जो खुशबू होती है तेज़, उससे इंसेक्ट भाग जाती है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रहे तो प्लीज़ मुझे बताना, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके आप बोल सकते हो। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे रहिए, खुश रहिए और प्यारा गार्डन बनाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप गार्डन बना सकते हो। और क्योंकि ये जो किस्म तमाम है ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग प्लांट है, एक प्लांट अगर आप लाते हो तो बहुत सारे ढेर सारे आप सालों साल आप इससे फ्लावरिंग भी ले सकते हो, इसे कटिंग से आप 1 से 100 पौधे भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे रहिए, खुश रहिए, फिर से बोल दी हूँ, एक प्यारा सा गार्डन बनाइए, क्योंकि प्रकृति को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रकृति सेफ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। हैप्पी गार्डनिंग, बाय।